गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके इस पार्ट में तैयार हूं का एक और अभ्यास। ये अभ्यास आधारित है प्रश्नोत्तर पर, जो आप देख सकते हैं पेज क्रमांक 39 यानी कि 39 पर। पेज क्रमांक 39 में यहां पर आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। जैसा कि आप हमेशा हर पार्ट के अंत में देखते हो, दो प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, लिखित और मौखिक। तो यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं मौखिक प्रश्नों की। कुछ प्रश्न दिए गए हैं मौखिक, तो वो प्रश्न कौन कौन से हैं और उनके उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं, चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न दिया है, माँ ने मिताली से कहाँ चलने के लिए कहा था। माँ मिताली को कहाँ ले जाना चाहती थी? जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर? मेघा के जन्मदिन पर। मेघा के जन्मदिन पर चलने के लिए कहा माँ ने। दूसरा प्रश्न है, मिताली ने गमले को रंगों से क्यों सजाया। क्यों सजाया था? क्योंकि मिताली को जो है किस बात का शौक था, हमने पाठ में पढ़ा है, पेंटिंग करने का। और माँ ने उसे कहा था कि मेघा का जन्मदिन है तो एक गमले को सजाओ, उसमें गुलाब का पौधा लगाओ, क्योंकि उसे उपहार में देना है। तो मिताली ने गमले को रंगों से सजाया उपहार में देने के लिए। उत्तर क्या हो सकता है? उपहार में देने के लिए। तीसरा प्रश्न, किसान नदी से पानी कैसे लाता था। जो मिताली ने कहानी पढ़ी उसमें किसान था, उसके पास दो घड़े थे और वो उसमें पानी भर कर लाता था। तो यहाँ उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? किसान नदी से पानी कैसे लाता था? घड़ों में भरकर। अंतिम प्रश्न, घड़ा उदास और परेशान क्यों रहता था। जो घड़ा था उसमें छेद था और उस छेद के कारण पानी, सारा पानी फिक जाता था, फैल जाता था। तो ये सोचकर घड़ा उदास था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। तो आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? घड़ा क्यों उदास और परेशान रहता था? क्योंकि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था, यह सोचकर। चलिए, ये तो मौखिक प्रश्न थे जिन्हें हमें यहाँ नहीं लिखना है। बात करते हैं लिखित प्रश्नों की। पेज नंबर 39 लिखित प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पर जगह भी दी गई है उनको लिखने के लिए, लेखबद्ध करने के लिए। पहला प्रश्न, मेघा के जन्मदिन पर माँ ने उपहार ले जाने का, क्या उपहार ले जाने का सोचा। तो हम लिखेंगे, मेघा के जन्मदिन पर माँ ने गुलाब का पौधा उपहार में ले जाने का सोचा। कौन सा पौधा? गुलाब का पौधा उपहार में ले जाने का। दूसरा प्रश्न, मिताली के क्या क्या शौक थे, उसे किस बातों में रुचि थी। तो शौक का मतलब इंटरेस्ट, हॉबीज क्या थी। तो मिताली को चित्रकारी यानी कि पेंटिंग, सितार बजाने एवं हॉकी खेलने का शौक था। उसके तीन शौक यानी रुचि दिखाई है इसमें, एक तो चित्रकारी यानी कि पेंटिंग, दूसरा सितार बजाना और तीसरा हॉकी खेलना। अंतिम प्रश्न दिया है, मिताली माँ के साथ जाने से मना क्यों कर रही थी। मिताली ने माँ के साथ जाने से मना कर दिया था कि वह नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, इसीलिए वो लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। तो हम उत्तर लिखेंगे, मिताली माँ के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो उनका सामना ही नहीं करना चाहती थी। तो ये तीनों प्रश्न हैं, आपको ये तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब में लेखबद्ध कर लेना है, इन्हें कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। मौखिक प्रश्न है जो हम पेंसिल से टेक्स्ट बुक में वहीं सामने कर लेंगे। अब आता है चौथा प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। कहानी पढ़कर मिताली में क्या बदलाव आया और क्यों। कहानी पढ़ने के बाद मिताली ने क्या किया, क्या बदलाव आया? उसकी सोच बदल गई और वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। तो हम उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि कहानी पढ़ने के बाद मिताली की सोच में बदलाव आया और वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उनसे डरने, उनसे झिझकने के बजाय लोगों से मिलने, बात करने के लिए उसके मन में रुचि पैदा हो गई। इस प्रकार से तो आप अपने शब्दों में उस उत्तर को लिख सकते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सो कीजिए इस अभ्यास को अपनी टेक्स्ट बुक में पूरा। हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।